हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आपका एग्जाम 25 तारीख को होना है। इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आज के छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चन का सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न यहाँ पर शो हो चुका है और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बेगार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। चार ऑप्शन दिया हुआ है, राम नारायण मिश्र, श्वेता ठाकुर और रानी राम पटेल, इसके अलावा परशुराम सोनी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सही है दूसरा ऑप्शन। यह आंदोलन जो बेगार विरोधी आंदोलन था वो 1879-80 में हुआ है और श्वेता ठाकुर द्वारा इसका नेतृत्व राजनांदगांव जिला में किया गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यह आंदोलन राजनांदगांव जिला में हुआ है और कब हुआ है, तो 1879-80 में हुआ है। इसका नेतृत्व किया था श्वेता ठाकुर ने। ये तो हो गए। और जो ऑप्शन दिया हुआ है उनको भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया है ताकि आपका अच्छे से रिविजन हो सके। यहाँ पर लगान बंदी आंदोलन हुआ था छुई खदान में, जो कि नया जिला बना है, खैरागढ़, छुई खदान और गंडाई, जो कि छत्तीसगढ़ का 31वां कम क्रम जिला है वर्तमान में। तो यहाँ पर 1938-39 में रामनारायण मिश्र के नेतृत्व में लगानबंदी आंदोलन हुआ था। दूसरा को आपने देख लिया, बेगार विरोधी आंदोलन राजनांदगांव जिला में हुआ था 1879-80 में और श्वेता ठाकुर ने इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है कि रानी राम पटेल ने सारंगढ़ रियासत में किसान आंदोलन हुआ था जो कि 1941 में हुआ था, उसका नेतृत्व किया था। रायपुर सेंटर केस हुआ था 1942 में, इसका नेतृत्व किया था परशुराम सोनी ने। तो ये सही जोड़ी मिलान में हो सकता है आ जाए और आप इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमने एक वीडियो थोड़ा फास्ट बना दिया था जिस पर आपका कमेंट रहा कि आप थोड़ा सा स्लो बनिए, तो आज का यह वीडियो थोड़ा सा स्लो रहेगा आपके लिए। और ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की किस रियासत का वंश रक्सेल था, छत्तीसगढ़ की किस रियासत का वंश रक्सेल था ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर नीचे हम देखेंगे। चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला सरगुजा, फिर बस्तर, फिर जसपुर, फिर छुई खदान। हम ये भी देखेंगे कि इन चारों रियासत में किस किस वंश का शासन था। यहाँ पर तो रक्सेल का शासन हम देखेंगे ही, इसके अलावा चारों में किस वंश का शासन था ये भी देखेंगे यहाँ नीचे में आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर ये शो हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है पहला ऑप्शन सरगुजा। रक्सेल वंश का जो शासन था वो सरगुजा में था और छत्तीसगढ़ में टोटल कुल 14 रियासतें थीं जिसका भारत संघ में विलय 1 जनवरी 1948 को हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बस्तर में काकती वंश का शासन था, जसपुर में सूर्य वंश का शासन था और छुई खदान रियासत में बैरागी वंश का शासन था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे। इसके बाद आपके स्क्रीन पर यहाँ पर तीसरा प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है कि किस ब्रिटिश अधीक्षक ने राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया है। तो किसने बनाया था, इसका सही आंसर क्या ऑप्शन है वो यहां पर देखेंगे। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश शासन काल में राजधानी हुआ करता था रतनपुर और रतनपुर से नया राजधानी बना था रायपुर, लेकिन रतनपुर को स्थानांतरित करके राजधानी रायपुर को बनाया था। तो किस ब्रिटिश अधीक्षक ने बनाया था ये पूछा हुआ है। इसका सही आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये आ चुके हैं। आंसर है चौथा ऑप्शन, कैप्टन एगेन्यू। ब्रिटिश अधीक्षक थे कैप्टन पी वंश एगेन्यू, जो कि 1818 से 1825 तक ब्रिटिश अधीक्षक थे और इन्होंने राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। और कब किया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो 1818 ईस्वी में किया था, ये पूछा भी जा चुका है। तो इतना ही फैक्ट रखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि 1923 में स्थापित मुरुमसिली बांध किस नदी पर है। तो मुरुमसिली बांध किस नदी पर है ये पूछ लिया गया है और इसका आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले ये भी याद रखें, ये जो बांध है ये कब स्थापित किया गया है, 1923 में। हालांकि इसका जो बनने का शुरुआत हुआ था 1914 में हुआ था, लेकिन 1923 में ये बनकर पूर्ण
हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इतना में आपको हो सकता है अच्छे से दिखे, अगर आप एक बार कमेंट किया था कि आपका वीडियो अच्छे से क्लीन नहीं दिख रहा है, तो हम आप 1080p में वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाएं, आपको एकदम क्लीन दिखेगा। ये जो बांध है माडम सिल्ली बांध, या इसे माडम सिल्ली बांध कहते हैं, ये किस नदी पर है? तो ये सिलियारी नदी पर है, ठीक है, सिलियारी नदी पर है। और धमतरी जिला में, हमने यहाँ धमतरी जिला को बताना भूल गया था, सिलियारी नदी पर धमतरी जिला में है। और यह एशिया का पहला साइफन सिस्टम बांध है, जिसका निर्माण धमतरी जिला में शुरू 1914 में हुआ था, पूर्ण 1930 में हुआ था, सॉरी 1923 है ये, 1923 में हुआ था। इसका नामकरण 2019 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। अब देख लेते हैं कि ये साइफन बांध होता क्या है। तो साइफन सिस्टम बांध होता है न्यून कोण पर मुड़ी हुई नली के रूप का एक यंत्र है, जिसमें तरल पदार्थ एक पात्र से दूसरे पात्र में नीचे स्तर में पहुंच जाता है। साइफन की क्रिया नली के दोनों सिरों पर दाब के अंतर के कारण होती है। जब पात्र खाली हो जाते हैं या दोनों पात्र में तरल पदार्थ का स्तर समान हो जाता है, तब बहाव रुक जाता है। अब ये कैसे है? तो जैसे कि ये एक पात्र बना हुआ है और ये एक पात्र बना हुआ है, और दोनों में नली सिस्टम है और एक निकलता है, तो इसमें से जैसे ये यहाँ से पहले जाएगा, फिर यहाँ से ये बाहर जाएगा, तो इस तरह का एक सिस्टम है। इसके बाद अब पांचवा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है तमोर पिंगला, ये किस जिला में है? आप तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो तमोर पिंगला, और ये किस जिला में है ये भी बन जाता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आ चुका है ये अभयारण्य है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर के रामकोला गाँव में स्थित है, और रामकोला गाँव में है तमोर पहाड़ी, और यहाँ पर बहती है पिंगला नदी, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा है तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों को आप जोड़ सकेंगे। हमने कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जितने हैं छत्तीसगढ़ में 11, उन सारे को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। हमने जो ये क्रम बनाया हुआ है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, सबसे ऊपर में है वो सबसे बड़ा, और सबसे नीचे में है वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हुआ? बादलखोल, जो कि जसपुर जिला में है, ठीक है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो गया यहाँ पर, जो जसपुर में है, आप क्योंकि सबसे नीचे में है, ये देख सकते हैं, ये है सबसे नीचे में जसपुर में, ये सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे ऊपर में है तमोर पिंगला, और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि सबसे प्राचीन वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीन है 1974 में ही स्थापित सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य, जो कि 1987 नहीं है, 1974 है ये। और नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो ये 2001 में बना हुआ है भोरमदेव कवर्धा वन्य जीव अभयारण्य, तो ये सबसे नवीनतम है। और आप सारे वन्य जीव अभ्यारण्य देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें तंवर पिंगला सूरजपुर में, सीतानंदी धमतरी में, अचानक मार मुंगेली, सेमर सोद बलरामपुर, गोमर्दा रायगढ़, पामेर बीजापुर, बारनावपारा बलौदा बाजार, उदयंती गरियाबंद, भोरमदेव कवर्धा, भैरमगढ़ बीजापुर, और जसपुर में है बादल खोल। तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर एक से ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है? केवल एक ही जिला है जहाँ पर दो वन्य जीव अभ्यारण है, वो है बीजापुर में भैरमगढ़, और ये क्या है, तो पामेड़, ये दो वन्य जीव अभ्यारण है। ऐसा एक ही जिला है जहाँ पर दो वन्य जीव अभ्यारण है, ये इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और ये छठा प्रश्न है आज का। ये प्रश्न है कि राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? क्या प्रश्न है? राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन में हम आंसर को यहाँ पर देखेंगे, चार ऑप्शन दिया हुआ है, किरणमयी नायक, हेमवंत पोर्ते, और पद्मावती, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक ऑप्शन इसका सही आंसर है, और सही आंसर कौन सा है वो आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये प्रश्न है हेमवंत पोर्ते। यहाँ पर देखते हैं जो और नाम दिया हुआ है वो किन कौन कौन से पद पर थे। तो ये पद है राज्य में नियुक्त प्रथम महिला मंत्री कौन है, तो पद्मावती देवी छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला सांसद है, मिनी माता मीनाक्षी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ की महिला राज्यपाल हैं, जो कि ये अतिरिक्त प्रभार पर थे आनंदीबाई पटेल, और पूर्णकालिक प्रभार में है अभी अनुसुईया उइके, ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की पहाड़ी एवं जिला सुमेलित नहीं है,
इनमें से गलत कौन सा है ये हमें बताना है। जैसे कि गड़िया पहाड़ कांकेर, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव, सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर और बका पहाड़ी कोरिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है इसका, ये हम देखें तो जो अलबका पहाड़ी है ये कोरिया जिला में नहीं है। तो ये किस जिला में है, अगर कोरिया जिला में नहीं है तो किस जिला में है, तो ये है बीजापुर जिला में। हम यहाँ पर एक बार सही जोड़ी यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। ये देख सकते हैं चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि वो मिलान गलत है। यहाँ पर हमने कुछ और इम्पोर्टेंट पहाड़ियों को लाया है ताकि आपका रिवीजन हो सके। जैसे कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो ये सरगुजा जिले में है। कैमूर पर्वत है कोरिया जिले में। सिहावा पर्वत है धमतरी जिला में। आरी डोंगर है भानु प्रतापपुर कांकेर। गड़िया पहाड़ है कांकेर में। कुलझाड़ी की पहाड़ी है राजनांदगांव। छाता पहाड़ है बलौदा बाजार। सीत लेखनी की पहाड़ी है सूरजपुर। अलबगा की पहाड़ी है बीजापुर। ये हमने IMP फैक्ट को भी देख लिए हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आप टेस्ट भी दिला सके। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसको आप एक बार फीडबैक जरूर दें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ये तो हो गया 7 प्रश्न, अब आ चुका है 8वां प्रश्न। और यह प्रश्न है कि निम्न नदियों में से महानदी की सहायक नदी नहीं है। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहने वाली नदी है महानदी, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में 281 किलोमीटर बहती है और पूरे भारत में 891 किलोमीटर बहती है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यहाँ पर दिया हुआ है चार नदी का नाम, जैसे कि हसदेव नदी, मान नदी, कन्हार नदी, केलो नदी। इनमें से कौन सी नदी है जो सहायक नदी नहीं है, इसको आप कमेंट करें कि एक बार कौन सी नदी नहीं है। हो सकता है आपने कमेंट कर लिया होगा, इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है कन्हार नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आंसर भी हम देखते हैं, जैसे कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। कन्हार नदी जो कि महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो अगर वो महानदी की सहायक नदी नहीं है तो किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये है सोन नदी की सहायक नदी, आपको समझ में आ गया होगा सोन नदी की सहायक नदी है कन्हार नदी। अब देखते हैं कि उत्तर की ओर से महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। उत्तर की ओर से है शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मान नदी, केलो नदी और इब नदी। और ये जो दिया हुआ है ये सभी अलग अलग जिले से उद्गम होती है, जैसे कि ये पाना ये मोहला जिला से उद्गम होता है। हसदेव नदी कोरिया जिले से, जो कि वर्तमान में आ सकता है मनेंद्रगढ़ जिला। बोराई नदी कोरबा से, मान नदी सरगुजा से, केलो नदी रायगढ़ से, इब नदी जसपुर से। हर नदी अलग अलग जिले से उद्गम होती है। इसके बाद है अगला कि दक्षिण की ओर से महानदी की सहायक नदियाँ, तो इसमें दूध नदी, सिलियारी नदी, परी नदी, सोंडुल नदी, सूखा, जोक और लात, ये सारी नदी है जो कि महानदी की दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है। अभी हम उत्तर और दक्षिण कहते क्यों हैं, तो अगर हम इसको छोटा सा कर लें यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैप को हम लाएंगे, तो ये उत्तर से दक्षिण होता क्या है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का मैप हम इस तरह से बना दें और इस तरफ होता है उत्तर और इस तरफ होता है दक्षिण और महानदी बहती है ऐसे, तो ये उत्तर से आने वाली नदियाँ हैं और ये ऊपर ये तरफ और ये नीचे की तरफ से जाने वाली अर्थात दक्षिण की ओर से जाने वाली नदियाँ हैं। इसको ही यहाँ पर इसी तरह से पढ़ने के लिए सहूलियतें की गई है। आपके स्क्रीन पर अब 9वां प्रश्न आ चुका है यहाँ पर और ये विधानसभा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये यहाँ पर बताना है। तो विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर सही आंसर तीसरा ऑप्शन 90, और ये 90 जो है चुनाव होते हैं, सदस्य रहते हैं और एक सदस्य का मनोनयन होता है, तो टोटल 91 हो जाते हैं। लेकिन विधानसभा सदस्य की निर्वाचित विधानसभा सदस्य की संख्या इसमें 90 है। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट फैक्टर भी शामिल कर दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विधानसभा है 90, लोकसभा है 11, राज्यसभा है 5। तो इतना ही आज रखते हैं। आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 10वां प्रश्न भी आ चुका है और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ये 10वां प्रश्न है कि कल्प वृक्ष योजना किसको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। जी हाँ, कल्प वृक्ष जो योजना है वो किसको लाभ पराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से हमें आंसर लगाना है। इसका सही आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को। हमने 10 प्रश्न देखे लेकिन आपका ये 40 से 50 प्रश्न को कवर कर रहे हैं।
आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपके एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और अच्छे से एग्जाम दिलाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर।